क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एयर होस्टेस कैसे बने? तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको एयर होस्टेस कैसे बना जाए इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल वर्चुअल लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर एयर होस्टेस बनने के लिए मुझे कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। एयर होस्टेस उन करियर ऑप्शन में से एक है जो आपको 12वीं क्लास पास करने के बाद करियर बनाने का मौका देती है। एयर होस्टेस बनने के लिए आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। आपके मन में एजुकेशन से रिलेटेड एक और सवाल होगा कि एयर होस्टेस बनने के लिए किस साइड आर्ट कॉमर्स साइंस से 12वीं पास होना चाहिए। फ्लाइट अटेंडेंट का फॉर्म भरने के लिए आपका केवल 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 12वीं क्लास किस सब्जेक्ट से पास की है। अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ज़्यादातर एयरलाइंस ग्रेजुएट को ज़्यादा पसंद करती हैं। फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। लैंग्वेज, क्या एयर होस्टेस बनने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है? आजकल इंग्लिश एक बेहद ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बन गई है, इसलिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। एयर होस्टेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी लिखना और बोलना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों लैंग्वेज के अलावा किसी और भाषा जैसे कि जर्मनी, फ्रेंच या स्पेनिश जानते हैं तो आपको इंटरनेशनल फ्लाइट में इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एजुकेशन के अलावा भी इस प्रोफेशन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी मायने रखती हैं ये डिसाइड करने में कि क्या आप एयर होस्टेस बनने के लायक हैं या नहीं। तो चलिए एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। एज लिमिट आमतौर पर इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हैं। एयरलाइन 18 साल से लेकर 27 साल के एज ग्रुप के कैंडिडेट को पसंद करती हैं। मैरिड स्टेटस भी एयरलाइंस की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। एयरलाइंस अनमैरिड गर्ल को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अनमैरिड हों। हाइट, कैंडिडेट को कम से कम 155 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। वहीं अगर आप एक मेल हैं तो आपकी लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट, आपके वजन को आपकी लंबाई के रेशियो में हो, आप हेल्दी और फिट होने चाहिए। फीमेल का बॉडी मास इंडेक्स BMI 18-22 होना चाहिए। वहीं मेल का BMI 18 से लेकर 25 तक होना चाहिए। विज़न, आपके पास कम से कम 6x9 का विज़न होना चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्टेड है। मेडिकल कंडीशन, एक कैंडिडेट को मानसिक व शारीरिक रूप से हेल्दी होना चाहिए। स्विमिंग, एक फ्लाइट अटेंडेंट केबिन क्रू को स्विमिंग आना ज़रूरी है। आपका असलियत में कोई स्विमिंग टेस्ट नहीं लिया जाता, पर इंटरव्यू के समय आपसे ये पूछा जाता है कि आपको स्विमिंग आती है या नहीं। इस सवाल का पूछने का मकसद
ये जानना होता है कि कैंडिडेट को कहीं वाटर फोबिया या पानी का डर तो नहीं है। डोमेस्टिक एयरलाइंस में ये मैंडेटरी नहीं है। वहीं अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको स्विमिंग आनी ही चाहिए। एयर होस्टेस बनने के लिए इन चीज़ों से बचें। अगर आप टैटू के शौकीन हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। एयरलाइंस द्वारा ये साफ निर्देश है कि अगर कैंडिडेट के शरीर के ऊपर किसी भी तरह का टैटू है तो उसको एयर होस्टेस बनने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अगर आपके शरीर में टैटू है पर वह एयर होस्टेस की ड्रेस पहनने के बाद छुप जाता है, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं तो आप एयर होस्टेस नहीं बन पाएंगे। एयर होस्टेस बनने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स। एक एयर होस्टेस बनने के लिए केवल नॉर्मल क्वालिफिकेशन जैसे एजुकेशनल, फिजिकल और मेडिकल इनफ नहीं है। आपके पास इन स्किल के अलावा कुछ बिहेवियरल स्किल का होना बेहद ज़रूरी है। ये आपके पर्सनैलिटी के बारे में बताता है और आपके फ्लाइट अटेंडेंट बनने के सपने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जो स्टूडेंट एयर होस्टेस बनना चाहते हैं उनके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपको भी पहले से पता होगा कि इस प्रोफेशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद ज़रूरी है। आपको यात्रियों के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बोलना, लिखना, सुनना, बॉडी लैंग्वेज सब कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्विक थिंकिंग, ये स्किल फ्लाइट में इमरजेंसी के वक्त बहुत काम आती है और हर एयरलाइंस इसको गंभीरता से लेती है। प्लीजेंट पर्सनैलिटी, अच्छा दिखने के साथ साथ स्वीट एंड प्लीजेंट आवाज़ का होना बेहद ज़रूरी है। टीम वर्क, एयर होस्टेस को एक टीम प्लेयर होना चाहिए। आमतौर पर एक कैबिन क्रू में 12 से 14 अधिक मेंबर होते हैं और उनको उन सभी फ्लाइट अटेंडेंट के साथ मिलकर काम करना होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हेल्पिंग नेचर, एक एयर होस्टेस को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और सभी शेड्यूल टास्क करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मल्टीटास्किंग, कभी कभी आपको एरोप्लेन के अंदर एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, इसलिए आपका मल्टीटास्किंग होना। एयर होस्टेस कैसे बने? एयर होस्टेस बनने के लिए आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरना होता है जो कि एयरलाइंस द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। एक एयरलाइंस कंपनी कैंडिडेट के अंदर सभी चीज़ों को टेस्ट करती है जो हमने आपको पहले बताई हैं। अब सवाल ये आता है कि आपके अंदर उन सभी स्किल्स और क्वालिटी को अपने अंदर कैसे डेवलप करें जो आपको एयर होस्टेस एग्ज़ाम पास करने में मदद करेंगी। तो इसका सीधा आंसर है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में एयर होस्टेस के कोर्स में एडमिशन लें जो आपको एक एयर होस्टेस बनने में हेल्प करेगा। एक एयर होस्टेस बनने के लिए आपका किसी कोर्स में एडमिशन लेना मैंडेटरी नहीं है। आप बिना किसी कोर्स के भी डायरेक्ट एयरलाइंस कंपनी में एयर होस्टेस बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरलाइंस कंपनीज, जब आप अपने आप को सही से तैयार कर लें एयर होस्टेस का इंटरव्यू फेस करने के लिए तो आप इन एयरलाइंस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंडियागो, एयरजेट, एयरवेज अलायंस, एयर स्पाइस। तो चलिए जानते हैं
एयर होस्टेस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? स्टेप वन, इंटरव्यू। आपका जनरल एचआर इंटरव्यू होगा जो कि 2 से 3 मिनट का होता है। नंबर टू, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग राउंड जिसमें आपकी हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, टीथ, स्किन, टैटू को देखा जाएगा। स्टेप थ्री, ग्रुप डिस्कशन। इस स्टेप में कुछ लोगों के ग्रुप जो कि आप ही की तरह एयर होस्टेस बनने आए हैं उनके बीच में आपको बिठा दिया जाएगा और कोई भी एक रैंडम टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको अपना नज़रिया बताना होगा कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। स्टेप फोर, एचआर इंटरव्यू। यहाँ पर आपका पॉइंट टू पॉइंट इंटरव्यू होगा जैसा कि हमने पहले स्टेप में दिया था। इसमें फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर आपका इंटरव्यू एयरलाइंस कंपनी का कोई सीनियर व्यक्ति लेता है। ये 10 से 20 मिनट का इंटरव्यू होता है। स्टेप फाइव, मेडिकल टेस्ट। इस स्टेप में मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें कि आपका आई टेस्ट, हियरिंग एबिलिटी टेस्ट, ब्लड टेस्ट होगा। स्टेप सिक्स, ज्वाइनिंग लेटर। इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपकी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग एकदम ही शुरू हो जाएगी, हो सकता है इसमें 2 से 3 महीने का समय लग जाए। स्टेप सेवन, एयर होस्टेस ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग लगभग 3 से 4 महीने की होती है जिसमें कि आपको ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के बारे में, ग्रूमिंग, इंग्लिश, सर्विस, सेफ्टी, मेडिकल इमरजेंसी, फर्स्ट एड, ETC। स्टेप नाइन, एयर होस्टेस। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको फ्लाइट में भेजा जाएगा, वहाँ पर आप अपने सीनियर एयर होस्टेस की निगरानी में काम करेंगे और कुछ मिनिमम फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने के बाद आप एक एयर होस्टेस बन जाएंगे। एयर होस्टेस बनने के लिए किसी एयरलाइन कंपनी में अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप जिस एयरलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं आप सीधे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जो कि आपको गूगल में सर्च करने पर मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी जॉब पोर्टल पर जाएं, जैसे कि naukri.com, और वहां पर जाने के बाद आप सर्च बॉक्स में एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट लिखें, उसके बाद सर्च करें। सर्च करने पर जितनी भी एयरलाइंस में एयर होस्टेस की रिक्वायरमेंट होगी आपको वहां पर सब दिख जाएंगी, जिसके बाद आप अपने मनपसंद एयरलाइन को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद एयरलाइन कंपनी आपके बायोडेटा रिज्यूमे को देखेगी। अगर आप उनके मुताबिक एयरलाइन में एयर होस्टेस बनने के लिए एक सही कैंडिडेट हैं तो फिर आपको वह इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। क्या एयर होस्टेस के पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है? जी हाँ, आपके पास पासपोर्ट होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एयर होस्टेस बनने की तैयारी में हैं, भले ही आप डोमेस्टिक एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हों, अगर आपने अभी तक अपना पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अप्लाई करें। एयर होस्टेस सैलरी। एक एयर होस्टेस की सैलरी इस बात पर डिपेंड होती है कि वह किस एयरलाइंस कंपनी के साथ काम कर रही है। आमतौर पर एक कंपनी
अपने एयर होस्टेस को लगभग मंथली सैलरी 20,000 से लेकर 80,000 के बीच देती है। इसके अलावा उड़ान टिकटों पर छूट भी दी जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक